सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो होने वाला है किसके ऊपर, आपका जाना माना शेयर टाटा स्टील के ऊपर। ओके सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 अप्रैल के बारे में, 12th ऑफ अप्रैल में हम लोग को टाटा स्टील में क्या लेवल्स और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके वीडियो बने रही है, वीडियो एंड तक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए अगर देखें हम लोग अप्रैल मंथ में टाटा स्टील क्या कर रहा था, एक रेंज बॉन्ड में ट्रेड कर रहा था और आज के दिन क्या कर रहा है, टाटा स्टील ने अच्छा खासा एक बहुत तेजी दिखाई हम लोग को। तेजी कितने की थी, 2.48% की, यानी 2.60 रुपीज का चेंज आया इसमें। ओके अब अपसाइड में और इसने इसी के साथ एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। सो ब्रेकआउट का कौन सा दिया है वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस लेवल का अराउंड ये 106 का, इसमें रेजिस्टेंस एरिया बार बार फंस रहा था जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं निकल पा रहा था 106.20। आज इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया और इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है और ये अच्छी खासी अब तेजी दिखा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टारगेट्स और लेवल्स क्या रह सकते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो था अराउंड 107.30 के, जो कि इसने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर भी रहा है, ठीक। बट ये क्या डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल का क्या आपको माइंड में रखना है, आपको इसका हाई मार्क करना होता है, लो मार्क करना होता है और जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उधर आप लोग मार्केट जा सकते हैं। बट कल के दिन क्या हो सकता है इसमें हम लोग वो डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ आ रहा है, इसने डोजी का ब्रेकआउट दिया है, सो हाई प्रोबेबिलिटी ये है हम लोग की ये जो गैप है, यहां पे आप लोग गैप देख सकते होंगे, ये गैप फिल करने जा सकता है। ये गैप कितने का, 108.70 का पास है, ठीक। सो ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, सो देयर आर हाई चांसेस कि ये गैप फिल करने जाएगा। सो अगर गैप फिल करने गया वहां से हम लोग को रेजिस्टेंस एरिया माने रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जिट नहीं करा, सोलो आप लोग एग्जिट करने की सोच रहे हैं तो 108 के पास एग्जिट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की आप लोगों को सजेशन नहीं दे रहा हूं। आप लोग अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को माइंड में रखते हुए तब ट्रेड करिएगा। और अगर डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड से ही हम लोग को इसमें ट्रेंड लाइन चलती हुई चली आ रही है, ये देखी रही है ऐसी, ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। डाउन साइड की हम लोग को अगर ये वापस से डाउन आता है तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका होगा। सपोर्ट कौन सा है, ये 106.20 का ये सपोर्ट है, ठीक। सो 106.20 पास हम लोग को इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा कल के दिन अगर ये डाउन साइड आता है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नहीं करा अब तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और हमारे चैनल पे डेली ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में वीडियोस आती रहती हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।